दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो ललितपुर में बढ़ती हुई हत्याओं की। लगातार किसी ना किसी तरीके से ललितपुर के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तालबेट में जो हुआ, ललितपुर में जो हुआ, वो सबको पता है और पुलिस खुलासा करके बाय बाय लूटने में लगी हुई है। ललितपुर SP मोहम्मद मुश्ताक, जब वो ललितपुर की कमान संभालते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं। उसके बाद केवल एक काम करना था, जो था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन वो भी संभालते हुए नज़र नहीं आए हैं। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ललितपुर SP मोहम्मद मुश्ताक से हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने ललितपुर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था और जो सड़कों पर अतिक्रमण है उसको लेके सवाल पूछे थे, तो SP साहब कह रहे थे आपसी सौहार्द के माध्यम से हम उस पर काम करेंगे। लेकिन 2 महीने लगभग उनको हो चुके हैं ललितपुर की कमान संभाले। आपसी सौहार्द का परिणाम ये सामने आ रहा है कि लगातार किसी ना किसी तरीके से हत्याओं की जो खबरें सामने आती हैं वो सवाल या निशान खड़े करती हैं। जब ललितपुर SP से इन सब घटनाओं पर चर्चा हुई तो ललितपुर SP पत्रकारिता का नियम सिखाने लगे, तमाम तर्क देने लगे। उनका कहना यह है कि जो घटनाएं हुई वो आपसी रंजिशबाजी के कारण हुई हैं और उसमें हमने तत्काल खुलासा कर दिया और इनाम भी घोषित कर दी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इनाम भी घोषित कर दी SP साहब ने। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार इस प्रकार की हत्याएँ क्यों हुई, इस प्रकार से आपस में लोग क्यों लड़ रहे हैं और उसको लेके आपने कौन सी नज़ीर सेट की कि आगे इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होंगे। तालबेट में जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। स्थानीय पुलिस ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया वो भी तारीफ के लायक है, लेकिन जिस व्यक्ति ने वहां पर गोलियां चलाई हैं, बगल में तहसील जहां पर SDM बैठे, तहसीलदार बैठे, वहां पर एक न्यायालय भी है, थोड़े ही कदम पर कोतवाली, उसने हिम्मत जुटाई कैसे? बताया जा रहा था जीजा सारे की लड़ाई में जो भी उन्हें पारिवारिक पंचायती सबको पता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो घटना घटी। लेकिन घटना घटी, 2 महीने में ललितपुर SP मोहम्मद मुश्ताक की उपलब्धियों में अगर हम ललितपुर को गिनते हैं तो सबसे ज़्यादा हैं जो हत्याओं की घटनाक्रम चले हैं उस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। दरबारी पेपर, दरबारी मीडिया जरूर सवाल खड़े नहीं करेगी, लेकिन हम जैसे तो बोलेंगे ही। हम मध्य प्रदेश चुनाव में लगे हुए थे, इसलिए ललितपुर के जो लॉ एंड ऑर्डर की बातें थी उस पर ललितपुर के SP क्या कर रहे हैं, उनके सर्कल के तैनात CO क्या कर रहे हैं, थानों में बैठे जो SO हैं, थाना इंचार्ज हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है जिसके कारण ललितपुर में इस प्रकार की घटनाक्रम बढ़े हैं और एक डर और भय का माहौल बना है। चूंकि पुलिस ने तो कह दिया, हम तो पकड़ दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इनाम घोषित कर दी, उनकी जिम्मेदारी निपट गई। ललितपुर के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर एक भी सवाल खड़े नहीं किए हैं कि आपसी रंजिशबाजी के चलते जो चीज़ें हो रही हैं उसको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। दूसरी चीज, जो जमीनी विवाद है उसको निस्तारण करने में आखिरकार ललितपुर जिला प्रशासन बौना क्यों सिद्ध हो रहा है, जमीनी विवादों में किस प्रकार के हत्याकांड हुए वो भी सबके सामने हैं, उसमें लापरवाही किन की थी, उन पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जा रही हैं। मैं ललितपुर SP मोहम्मद मुश्ताक से ये भी जानना चाहता हूँ कि 2 महीने में आपने नया क्या किया, कितने गैंगस्टर किए वो भी नए तरीके से, राजनीतिक प्रेरणा से जो भी घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर मुकदमा लिखे गए हैं उनके अलावा फ्रेश तौर पर आपने कितने खनन माफिया, कितने दारू माफिया, कितने दारू तस्कर, कितने पेट्रोल डीजल तस्कर वालों को आपने पकड़ा है? क्या आपको पता है कि आपके सर्कल के CO क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं? क्या आपको पता है कि ललितपुर जो जिला है वो मध्य प्रदेश के कितने बॉर्डरों से जुड़ा हुआ है, कितने लीगल कितने इलीगल, और उन इलीगल एक्टिविटीज, उन इलीगल रास्तों से किस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, क्या आपको पता है? इन 2 महीनों में आपने क्या किया? हम सवाल करना चाहते हैं ललितपुर के उस जिम्मेदार अधिकारी से जो ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं डूबा हुआ नजर आया। जब हमने उनसे बात की तो वो हमसे ही हमारे ऊपर हावी होते हुए नजर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं ललितपुर SP से कि आप कुर्सी पर बैठकर समझाने के लिए बैठे हैं कि सुनने के लिए बैठे हैं? ललितपुर में, ललितपुर की सबसे ज़्यादा शराब जो है इस समय मध्य प्रदेश में बिक रही है। चूंकि ललितपुर या UP में शराब के रेट कम हैं, पेट्रोल डीजल के रेट कम हैं, और बगल में जो पूरा मध्य प्रदेश लगा हुआ है और हम तमाम विधानसभाओं में जो मध्य प्रदेश के घूमे हैं,
तमाम जगह चुनावी मुद्दा यही है कि यूपी की शराब मध्य प्रदेश में बिक रही है, तो ललितपुर की क्या छवि है मध्य प्रदेश के अंदर वो आप समझ सकते हैं कि ललितपुर की जो दारू है, दारू तस्कर यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ आराम से बेच रहे हैं। बॉर्डरों पे जो आपने कैमरे लगाए कभी खोल के देखा है साहब, 2 महीने के अंदर खोल के देखिए, पता चलेगा कि उनकी जो तस्करी करा रहे हैं वो लोग कौन हैं, कब दारू निकल रही है। आपने एक दारू खोर को पकड़ा हो तो बता जो दारू तस्करी का काम कर रहा हो, एक जुआ खोर को पकड़ा जो जुआ का काम करा रहा हो। पिछले 2 महीने में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी सबूत चाहिए तो हमसे मिल लीजिएगा, नाम नंबर पता सब पता होगा। नमस्कार।